जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कुछ मिस्ट्रीज होती हैं, कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इन ऐसे एलिमेंट्स को हम सुपरनेचुरल फिनोमेना कहते हैं। आज की हमारी स्टोरी जिसका नाम है द वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेट, ये भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है जिसमें सुपरनेचुरल फोर्सेस पाई जाती हैं। द वुल्फ इस कहानी के मुसन्निफ हैं एच एच मुनरो यानी के हेक्टर ह्यू मुनरो। इनका पेन नेम है साकी एस ए के आई। ये अपने पेन नेम के साथ मशहूर हैं, इनकी राइटिंग में हमेशा साकी के नाम से पब्लिश होती थी। ओके, सो बाय प्रोफेशन ही वॉज ए राइटर, जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट राइटर। इनकी राइटिंग जितनी भी थी ज़्यादातर फोकस थी पॉलिटिकल सटायर। सटायर एक फॉर्म पॉलिटिकल। हिस्टोरिकल स्टोरीज लिखी हैं इन्होंने, साथ साथ सुपर नेचुरल शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिनमें जैसे कि वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेट, बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है लेकिन उसमें आपका सटायर भी पाया जाएगा। तो सटायर वर्ड है, सटायर क्या होता है? सटायर हम उसको बोल सकते हैं कि तंज, जो राइटिंग जिसमें तंज जो ज़राफ़त पाई जाए वो सटायर होता है। इसमें राइटर करता ये है कि सोसाइटी की फॉलीज और रिडिकुलस ट्रेडिशंस और वैल्यूज को एक्सपोज करता है इन अ मैनर के दूसरों को बुरा भी ना लगे और डायरेक्टली ब्लंट वे में भी बात ना कहे कि भाई आप। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली कोई बात बोलते हैं तो दूसरे वाले को इतनी इम्पैक्ट फील नहीं होता, दूसरे वाले को इतना फील नहीं होता कि यार बेइज्जती हो गई है। सो सटायर में ऐसा होता है कि लिखते वो इस अंदाज में है कि आपकी एक्सपोज भी हो जाए कि ये गलत चीज़ें हैं हमारे माशरे में, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इस तरह भी हो और उसको पॉइंट आउट भी कर दें और इस अंदाज में करें कि डायरेक्टली लोगों को बुरा ना लगे। सो सटायर का मेन पर्पस ये होता है कि वो एक्सपोज करे रिडिकुलस ट्रेडिशंस, वैल्यू और बिहेवियर्स ऑफ पीपल, एक्सपोज ऑफ फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ सोसाइटी। इस कहानी में भी एक सेटिकल एलिमेंट मौजूद है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो किस तरह। तो ये तो हमारे बारे में हो गए, राइटर के बारे में। स्टोरी क्या है हमारी वुल्फ ऑफ सर्नोग्रेट? स्टोरी कुछ यूं है कि एक कैसल होता है सर्नोग्रेट नाम का, उसमें सर्नोग्रेट फैमिली रहती है। ये बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू फैमिली होती है, इनकी बहुत पावरफुल और अमीर लोग होते हैं, लेकिन कुछ माली मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको अपना कैसल बेचना पड़ जाता है। ये कैसल खरीदते हैं ग्रूबेल फैमिली। इसमें एक होती है बैरन मोहतरम जो जिन्होंने खरीदा होता है और उनकी वाइफ बैरन है। तो इस कहानी में एक और करेक्टर हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी की, जिनका नाम है प्रोवीन स्मिथ। इनका असली नाम वैसे तो जो स्टोरी में है इस नाम से वो रह रही होती हैं। ये इस घर की सर्नोग्रेट कैसल की गवर्नेस होती हैं यानी कि मुंतजिमा का ख्याल करने वाली। तो स्पॉर्डन समझ इसका असली नाम होता है एमिली वॉन सर्नोग्रेट। ये तो अब हमारे हो गए करेक्टर। अब हम अपनी कहानी पे चलते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब सर्नोग्रेट फैमिली गरीब हो गई तो उनके पास माली मसाइल थे तो उन्होंने अपना कैसल बेच के कहीं और मुंतकिल हो गए। ये जो घर था कैसल था गब्रेल फैमिली ने खरीदा। जब उन्होंने घर खरीदा तो उन्होंने दावत दी सबको दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कि यार हमने कैसल खरीदा है। उसमें उनके बैरोनेट को भाई होते हैं कॉर्नर्ड, वो आते हैं तो वो बातचीत हो रही होती है, वो पूछते हैं कि इस कैसल से वाबस्ता मैंने एक कहानी सुनी है, क्या वो सच है? तो इस कैसल से जो वाबस्ता कहानी वो ये है कि जब इस कैसल में कोई मरता है तो कुत्ते यानी कि डॉग
और बुल्स भेड़िए आके पूरी रात हॉल करते हैं. उनकी स्पेसिफिक आवाज़ होती है जिसको हम भौंकते हैं जिस स्पेसिफिक आवाज़ में, और ये होता है जब हमवर्ग से पूछता है कि कहानी क्या है, जब वो बताती हैं फिर उसके आगे ये बताती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब मेरी मदर इन लॉ लास्ट स्प्रिंग मरी थी तो कोई हाउल नहीं किया था, कोई बुल्स नहीं आया था, और सेनोग्रेट फैमिली में बीमार होकर मर गई थी वो कैसल में. इतने में वहाँ पे एक बैठी होती है मुंतजिमा जिनका नाम है फ्रॉलिन स्मिथ. वो कहती है कि यहाँ पे आप गलत हैं, कहानी वो कुछ यूँ है कि जब सर्नोग्रेट फैमिली का कोई मेंबर सर्नोग्रेट कैसल में मरता है तभी कुत्ते और भेड़िए हाउल करते हैं, और उसके साथ साथ जब रूह परवाज करने लगती है, जब इंसान जब मरने लगता है एंड टाइम पे, जब वो बिल्कुल अपनी जो उसकी सोल होती है बॉडी को लीव कर देती है, छोड़ देती है, तब गार्डन में एक दरख्त टूट के दो टुकड़े में होके स्प्लिट होके गिर जाता है जिसको इंडिकेशन होती है कि वो इंसान मर गया. तो हालांकि वो मुंतजमा होती हैं और इस तरह बताती हैं तो सब उनकी तरफ देखते हैं नहीं क्या बोल रही है ये, उनसे कोई बात नहीं करता, वो हमेशा खामोशी से अपना काम करती रहती हैं. तो बैरनेस अपने तंजिया अंदाज में बोलते तुम्हें तो बहुत कुछ पता है ऐसा लग रहा है. तो बोलती है हाँ क्योंकि मुझे पता है मैं सर्नोग्रेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री जानती हूँ. तो सब उनको घूर के देखते हैं भाई तो ऐसी अपनी कहानियाँ बना रही हैं, ऐसी कोई तो मतलब मुलाजमा है सर्नोग्रेट, तो बहुत एक ट्रेडिशनल फैमिली थी, एक नोबल फैमिली थी, अमीर लोग थे. तो फिर मैं बता फिर वो आगे एक्सप्लेन करती हैं, उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता लेकिन फिर वो आगे एक्सप्लेन करती हैं. वो एक्सप्लेन ये करती हैं कि जब सर्नोग्रेट जब हमने कैसल बेचा था मैं छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर यहीं पे आके काम किया करते थे, और मैं अपनी अब्बू से अपने वालिद देग्रामी से एक कहानी कैसल की कहानियाँ पढ़ते हुए बड़ी हुई हूँ. जब मैं हमारे पास गरीब हो गए थे तो मैं शहर से बाहर जाके पढ़ाती थी और उससे अपने रोजी रोटी कमाती थी. तो उसके बाद जो है फिर मैंने आपके यहाँ काम शुरू किया, और इस काम शुरू करने के मुझे ये उम्मीद थी कि जब मैं मरूंगी तो शायद जो मेरे वालिद कहानी बताते थे कि वुल्व्स आके भेड़िया आके चिल्लाते हैं तो मैं उसको देख सकूंगी, एक्सपीरियंस कर सकूंगी. तो जब वो बता के चली जाती हैं तो सब बोलते हैं कि ये तो अपनी अपने आपको बढ़ाने के लिए कर रही है कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, अगर इतनी नोबल फैमिली से होती, वही हमारी इंसान वाली हालत है कि जो है कोई बता रहा हो तो कुछ बिलीव नहीं करते, तो वो भी बिलीव नहीं करती उसके ऊपर कि यार ये तो मुलाजमा है, अपने अपनी बढ़ाई सुपियोरिटी दिखा रही है कि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करती है. खैर तो फिर उस पर बैरनेस कहती है कि अब जो है ना मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, इतना बड़ा झूठ उसने बोला है, मैं इसको छुट्टियों के बाद क्रिसमस के बाद क्रिसमस फेस्टिवल के बाद मैं इसको फारिग कर दूंगी, क्योंकि अभी क्रिसमस के टाइम चल रहा है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ तक बात हो जाती है. कुछ ही अरसे बाद फेरोलाइन स्मिथ या फिर इनका असली नाम एमिली वॉन सर्नोग्रेट बीमार हो जाती हैं, और वो बहुत इतनी बीमार हो जाती हैं कि अपने कमरे से भी नहीं निकल पाती. तो बैरनेस का तो एक इरादा था कि इनसे काम करवा के उनको फारिग कर देंगे, लेकिन इतनी बीमार हो जाती हैं कि अपने कमरे से भी नहीं निकल पा रही, तो वो उनको थोड़ा आराम करने के लिए उनके कमरे में ही तक महदूद रहने देती हैं. अब कि मेहमानदारी हो रही होती है, फिर वो अपने अपने मेहमानों को बता रही होती है कि हमारी नौकरानी जो है वही गॉसिप्स, तो हमारी नौकरानी जो है इतनी बीमार हो गई है, मैंने तो सोचा था कि इसको निकाल देंगे, और फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि इतनी बड़ी बात उसने बोली थी. तो खैर इतने में चारों तरफ पूरी पार्टी जमा होती है, बातचीत चल रही होती है, तो चारों तरफ से वुल्फ डॉग जितने होते हैं ना उनकी लैपटॉप पे बैठा होता है लैब के ऊपर, वो छलांग मार के सोफे के नीचे घुस जाता है डर के मारे. वो बोलती है कि क्या हुआ, इसको क्यों डर लग रहा है. तो आसपास जितने भी डॉग्स वगैरह होते हैं वो भी खौफ में, हर चीज ना खौफ का मंजर पेश कर रही होती है कि कुछ होने वाला है, कुछ सडनली कुछ होगा. इतने में जो है जब सारे डॉग्स वगैरह अपनी चिल्लाने शुरू कर दे पूरे विलेज के डॉग्स, तो इतने में भेड़ियों की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं कि जैसे वो हाउल करते हैं, जो चिल्लाते हैं अपनी आवाज़ में स्पेसिफिक आवाज़ में. तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे वुल्फ्स और भी एक नहीं 100 के करीब वुल्फ्स की आवाज़ आ रही है. तो बैरनेस को क्योंकि कहानी अपनी याद होती है कि जब सर्नोग्रेट फैमिली में कोई मरने वाला होता है तो वुल्फ्स चिल्लाती, वो भाग के जाती हैं एमिली वॉन सर्नोग्रेट के कमरे में देखने के लिए कि
क्या वो जिंदा हैं। तो जब वो जाती हैं तो एमिली जो है खिड़की के पास खिड़की खोल के बैठी होती है और बहुत तेज ठंडी हवा आ रही होती है, तो वो फौरन भाग के खिड़की बंद करने की कोशिश करती है कि खिड़की बंद कर दें, तो वो उनको डांट देती हैं एमिली। और उनकी आवाज़ जो कितने अरसे से बीमार थी तो उनकी आवाज़ भी नहीं सुनती, बहुत धीमी आवाज़ में बात करती थी, तो उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा रोब था कि बैरनेस खुद घबरा गई कि इतने इतनी जोर से बोला। खैर यहाँ पे उनको डांट देती रही हैं कि दरवाजा जो है खिड़की खुली रहने दो, मुझे ये म्यूजिक सुनना है, आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस डेथ म्यूजिक। डेथ म्यूजिक इसमें ये है जो वुल्फ का जो चिल्लाना है, इनकी स्पेसिफिक हाउलिंग है आवाज, तो उसको डेथ म्यूजिक बोलती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये मेरे लिए आए हैं, जितने भी वुल्फ हैं मेरे लिए आए हैं, मुझे बुलाने आए हैं। तो अब वो वापस आती हैं कि ये तो मरने वाली है, इसका जो है मतलब पागल हो गई है, उसको बोलती है कि पागल हो गई है, ये मरने वाली है, अपनी ना सिक्योरिटी बता रही है। लेकिन कुछ ही लम्हे में एक दरख्त गिरता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जो सर्नोग्रेट फैमिली से रिलेटेड कहानी थी वो हकीकत मबनी थी, वो सच हो गई। खैर अगले दिन जो है खबर छपती है, और वो खबर ये कुछ यूं होती है कि मोस्ट रिस्पेक्टेड और डियर फ्रेंड ऑफ गब्रल फैमिली एमिली वॉन सर्नोग्रेट पास्ड अवे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम इस स्टोरी के कुछ डिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें, ये पूरी स्टोरी की किस तरह क्या चीज़ पहले हुई, इसमें कितने करेक्टर्स हैं, सेटिंग क्या है, टाइमिंग क्या है। तो चलते हैं।